उधम सिंह नगर जिले में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव अभिषेक रोहेला ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के चलते टीम के द्वारा कम कार्रवाई की गई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव का मतदान बीत जाने के बाद टीम को फिर से जिम्मेदारी सौंप कर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगाया जा रहा है। जल्द ही अवैध कॉलोनी पर सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर अवैध कॉलोनी पर जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस देने के साथ ही कॉलोनी को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाती है और आगे भी इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जिस रूप में आज के समय शहरीकरण हो रहा है, उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं और असुविधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उनके निराकरण के लिए एक प्रयास ये किया गया था कि जो हमारे उपजिलाधिकारी हैं, जो आज के दिन प्रशासक भी हैं नगर पालिकाओं में और नगर आयुक्त हैं और सचिव प्राधिकरण एवं कुछ रेखीय विभाग भी थे, उन सबके साथ एक चर्चा की गई कि किस रूप में प्राधिकरण का सहयोग से ऐसे कार्य किए जाएँ जिनसे आम जनमानस की को सुविधा प्राप्त हो, समस्याओं से निजात मिले। उसमें जल भराव के भी विषय थे, सौंदर्यकरण थे और नदियों की जल संरक्षण के जो कार्य हैं, साफ सफाई संबंधित कार्य हैं, इन सब पे चर्चा हुई थी और साथ ही साथ जो विभिन्न सुझाव उनके चर्चा हुई उसके क्रम में उनको एक अपने विभागीय स्तर पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। एक बार जब प्रस्ताव आएंगे उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय से चर्चा करते हुए की जाएगी।